तो भाई सोलो सिकोवा ने क्यों किया था जिम्मी ऊसो के ऊपर अटैक, इसके ऊपर बहुत ही बड़ा रूमर्स निकल के सामने आ रहा है। एंड देन भाई रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा को लेकर के भी WWE कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ें टीज कर रही है। तो भाई इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और भाई ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो इसे पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो भाई द ब्लड लाइन की पूरी तरह से ब्रेकअप हो चुकी है। एंड देन भाई जिम्मी ऊसो, सोलो सिकोवा, रोमन रेंस, ये चारों ही सुपरस्टार चार पाथ पे लग रहे हैं। एंड देन भाई ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी सुपरस्टार किसी के भी ऊपर की तरह बिलीव कर रहा है। एंड देन भाई द ब्लड लाइन यूँ कहें तो पूरी तरह से टूट चुकी है। एंड देन भाई रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा अभी एक साथ हैं, जिम्मी ऊसो एंड जे ऊसो एक साथ हैं, और जे ऊसो एंड जिम्मी ऊसो एक साथ ही रहने वाले हैं। बट सोलो सिकोवा एंड रोमन रेंस भाई इन दोनों सुपरस्टार में आपको आगे जा करके एक बहुत ही बड़ा मैच देखने को मिलने वाला है। एंड देन भाई रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा को ही WWE बिल्ड करने के लिए द ऊसोज को बीच में लाई है। एंड देन भाई द ऊसोज की जो स्टोरी लाइन खत्म होगी उसके बाद से भाई सोलो सिकोवा रोमन रेंस के ऊपर अटैक करेंगे। एंड देन भाई कहीं ना कहीं रोमन रेंस को WWE प्लान कर रही है बेबी फेस बनाने का। तो भाई WWE लगभग देखिए कुछ भी कर सकती है रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा के साथ। एंड देन भाई वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो द ऊसोज की स्टोरी लाइन रोमन रेंस के साथ दिखाना, भाई जिम्मी ऊसो अभी तक किसी भी स्पॉट में नहीं दिख रहे थे। एंड देन भाई जिम्मी ऊसो ही सबसे वीक सुपरस्टार दिख रहे थे द ब्लड लाइन के। एंड देन भाई जिम्मी ऊसो को आज WWE लाइमलाइट में ला दिया रोमन रेंस के साथ फ्यूड दे करके। एंड देन भाई ऐसा भी माना जा रहा है कि जिम्मी ऊसो एंड रोमन रेंस का मैच आपको मनी इन द बैंक में मे बी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए देखने को मिलेगा। एंड देन भाई सोलो सिकोवा ने एक बहुत ही बड़ा रिएक्शन दे दिया है। एंड देन भाई सोलो सिकोवा आपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पर लगाते हैं लॉयलिटी, और भाई सोलो सिकोवा क्यों WWE के स्मैकडाउन में जिम्मी ऊसो के ऊपर अटैक किए थे, भाई इसके ऊपर भी बहुत बड़ा रूमर्स निकल के सामने आ रहा है। भाई ये WWE बहुत ही बड़ा स्टोरी लाइन दिखाना चाहती है द ब्लड लाइन के बीच। एंड देन भाई एट द एंड आपको सोलो सिकोवा रोमन रेंस के ऊपर टर्न करने को देखने को मिलने वाले हैं। एंड देन भाई ऐसा WWE जिम्मी ऊसो को इस वजह से सोलो सिकोवा से मरवाई क्योंकि भाई सोलो सिकोवा को WWE अभी हाई लेवल का सुपरस्टार दिखाना चाहती है। एंड देन भाई रोमन रेंस के ऊपर ऐसा दिखाना चाहती है कि रोमन रेंस के ऊपर सोलो सिकोवा बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। एंड देन भाई जब रोमन रेंस ही सोलो सिकोवा को ऐसे मतलब डांटने फूटने लगेंगे तब भाई सोलो सिकोवा रोमन रेंस के ऊपर भी टर्न कर देंगे। एंड देन भाई सोलो सिकोवा को कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि द ऊसोज ही उनके ब्रदर हैं। एंड देन भाई द ऊसोज जो है वो सोलो सिकोवा को पूरी तरह से भड़काने लगेंगे, और भाई रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा के बीच आपको कन्फ्यूजन का भी बहुत सारी स्टोरी एंगल दिखने वाली है। तो भाई द ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन बहुत ही ज़्यादा एंटरटेन करने वाली है। तो भाई आई होप आपको वीडियो चलो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग WWE से रिलेटेड वीडियोज आती रहती हैं। एंड देन भाई कमेंट करके बताइए कि आप द ब्लड लाइन को फिर से पहले के जैसा देखना चाहते हैं या द ब्लड लाइन इस टाइम जैसे है वैसा देखना चाहते हैं।